मॉक फ्यूल फॉर चैंपियंस। आपने आज तक बंदर की मजेदार हरकतें देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको बंदर की खौफनाक हरकत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने एक परिवार की सारी खुशियों को ही लूट लिया। जी हाँ, बंदर ने 4 महीने के मासूम बच्चे की जान ले ली और कोई कुछ नहीं कर पाया। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। तस्वीरों में दिख रहा ये मासूम बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है, इसे बंदरों ने मार डाला। घर में पसरे मातम की कहानी बयां करता ये मामला बरेली में धनेटा शीशगढ़ रोड से सटे दुनका गांव से आया है, जहां रहने वाले किसान अरुण उपाध्याय शाम के वक्त अपने 4 महीने के बेटे को छत पर लेकर टहल रहे थे। इसी बीच बंदरों का एक झुंड छत पर पहुंच गया। छत पर पहुंचे बंदरों ने अरुण से बच्चे को छीन लिया। इससे पहले कि अरुण कुछ समझ कर बच्चे को वापस ले पाते, बंदरों ने उनके बच्चे को उछालना शुरू कर दिया और कुछ सेकंड के अंदर ही बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। सर, मैं रात के समय में ड्यूटी करके आया, शाम के टाइम तो लाइट आ नहीं रही थी, इन्वेटर वगैरह डाउन था, तो मैं बच्चे को लेकर ऊपर छत पे घुमाने के लिए आया हवा। इतने में ही 2-4-5 बंदरों का झुंड आया और मुझ पर हमला कर दिया, जिसके कारण मेरी गोदी से बच्चे को छीन लिया उन्होंने। जब मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की तो उसने छज्जे पे से बच्चे को नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बंदरों ने मासूम बच्चे को 3री मंजिल से नीचे फेंक दिया और बच्चा घर के आंगन में जा गिरा। मासूम बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे लेकर पिता अरुण तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही उनकी सारी खुशियां लुट गई थी। जी हाँ, अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी। मैं गिर गया और फिर जब मैं गिरा तो मैंने सोचा कि बच्चे को बचा लूं, लेकिन उन्होंने तब तक बच्चे को नीचे फेंक दिया। लेके गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया, फिर बोले एक बार इसके ऑक्सीजन और लगवा लो, लेकिन ऑक्सीजन लेके गए ऑक्सीजन वाले के पास, उसने भी डायरेक्ट मना कर दिया, बोले है ही नहीं कुछ, 4 महीने का था। सर, यही चाहते हैं कि ये बंदरों का आतंक कम हो जाए बस। बच्चे की मौत के बाद से घर में मातम पसरा हुआ है। परिवार को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर उनका कसूर क्या है जो उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। अब अरुण सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी भी तरह बंदरों का आतंक खत्म किया जा सके, ताकि किसी को ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये खबर हमारे संवाददाता सनी गोस्वामी ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। मसल मॉक, प्योरिटी, पोटेंशियल एंड परफेक्शन, फ्यूल फॉर चैंपियंस। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।